मर्जी जो है इसमें कोई शक नहीं कि इल्म हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती और इन बच्चों को इस अरसे में इस इब्तदाई माहौल में जो तालीम और तरबियत दी जाएगी इसके असरात जैसे कि अभी हज़रत अल्लामा मोहम्मद क़मर उज़्ज़मा आज़म साहब दाम बरकातुहु ने इरशाद फरमाया वो असरात जो है उसको मिटते नहीं इब्तदाई तालीम इब्तदाई तालीम में अगर हमने बच्चे हों ज़हन में नक्श कर दिया ज़हन में लिख दिया ज़हन में अगर उसके आ गया मैं मुसलमान हूँ मुसलमान की हैसियत से रहना है और मुसलमान की हैसियत से दुनिया से रुखसत होना है ये बात अगर बच्चे के ज़हन में बैठ जाए तो उसका मिटना बड़ा मुश्किल होता है और वही असुफा के जरिए से कोशिश होती है बड़ा मशहूर मकूला है अमीर मोमिनीन से नाली और मुर्तज़ा कदम अल्लाह जल करीम से मंसूब है अल इल्म फी सिगर अल इल्म फी सिगर कन्नक्श फी الحجر बचपन की तालीम जो है ये प्राइमरी स्टेज जो है ये इतना अहम है जिस तरह से पत्थर पर लकीर खींच देते पत्थर को खोद देते हैं नक्शे फिल हजर इस तरह से पत्थर को खोद देते हैं लकीर बना देते हैं वो तो बड़ी मुश्किल से मिटती है ऐसे ही इस उम्र में बचपन की इस्लाम का नक्श उसके दिल पर और दिमाग पर और जहन पर बिठा दिया जाए तो फिर वो जिंदगी के आखिरी सांस तक इस्लाम से जुड़ा रहता है उसका रिश्ता इस्लाम से टूटने असुफा के जरिए से ये कोशिश हुई है और मुंतजमीन ने की है और मैं मुंतजमीन को 5 साल मुकम्मल करने पर खुलूस दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।